और तू कौन है? तो तकेगी नहीं है तेरी हैसियत, काट के है तेरी। ये औकात है मेरी, अभी फरहाद कैसा है? अभी उससे बात नहीं हो सकी अंकल। चलो बात हो जाएगी, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हालात ही ऐसे हैं ना। और वैसे भी फरहाद अब अपनी फैमिली के साथ जितना टाइम गुजारना चाह रहे हैं ना, उसको गुजारने दो। हाँ, बट यू मोस्ट वेलकम हियर। थैंक यू अंकल। अरे यार, रहने की है ना एक शर्त। हाँ जी। अभी तुम मेरे को फूफा बुलाओगी बस। हाँ मतलब ये क्या अंकल अंकल लगा रख, फूफा जी, फूफा हुजूर, फूफा जान, अभी बहुत से ऑप्शन है ना। नहीं, मेरे ख्याल से फूफा ठीक है। ठीक फूफा, अभी इस ऑप्शन पे ताला लगा। ठीक टोटल ने दस ने। चलो आप दोनों बैठ के बात करो, मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ। हाँ चलो ना, हम बैठते हैं, आप जरा जल्दी आइएगा। जी कैसी है? पता नहीं शबो पुपो, दिल बहुत भारी हो रहा है। मैं ना जनाजे पे जा सकी, ताजियत करने के लिए भी नहीं जा सकती हूँ। पर रात को लगता है मेरी मौजूदगी की वजह से उसकी मम्मी और अपसेट हो जाएंगी। ऐसा नहीं, मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ। मैं है ना समझ सकती हूँ, ये बहुत मुश्किल वक्त है तुम्हारे लिए भी, फरहाद के लिए भी। लेकिन बेटा, सबर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वैसे एक बात बताओ, शादी के बाद सबर करना सीखा है या अभी भी मीटर घूम जाता है? कभी कभी घूमता है, हर वक्त नहीं। सच्ची में शगुफ, कभी कभी। अच्छा सिया, मैं रेडी, सॉरी मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। तुम ठीक हो ना? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तुम मेरी टेंशन ना लो, तुम मुझे बताओ तुम कैसे हो, घर पर सब कैसे हैं? बस कर रहे हैं को। फरहाद, क्या मैं आ सकती हूँ वहाँ तुमसे मिलने, घर पर सबसे मिलने? नहीं फिया, अभी ठीक नहीं रहेगा, अम्मा की हालत ठीक नहीं है अभी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम उनके सामने आओ और वो फजल में तुम पे अपना गुस्सा निकाल लें। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रही हो ना? ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। तुम बस अपना ख्याल रखो और मुझे बताओ घर कब तक आओगे। प्रिया मुझे जाना होगा घर में, मुस्तकिल लोगों का आना जाना लगा हुआ है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ख्याल रखना अपना, खुदा हाफिज़। पप्पो आप मुझे बताती ना, मैं हेल्प करती आपकी। नहीं नहीं सब हो गया, आओ बैठो। इतने गौर से क्या देख रहे हो? मैंने आज से पहले आपको कभी इतना खुश नहीं देखा। इतने अच्छे आमिर पापा। सच पूछो तो फरिया, अपनी जिंदगी के इस पहलू के बारे में मैंने तो सोच नहीं छोड़ दिया था। यूं इस उम्र में कोई इतना चाहने वाला मिल जाएगा, कभी नहीं सोचा था। हामिद वाकई बहुत अच्छी। मोहब्बत का उम्र से क्या ताल्लुक है? बस बेकार में हम लोग खुद ही पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। सच कह रही है फरिया, मैंने तो जिंदगी को जी खोल के जीना तुमसे ही सीखा। अल्लाह करे मामा पापा के भी दिल खुल जाए।
सरप्राइज। जारा, बिल्लू, ये लोग यहाँ पे कैसे? तुम क्या समझी थी कि फूफो के हाथ के खाओ से तुम अकेले खा लोगी? ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे हम। जारा का फोन आया था, जब मैंने बताया कि तुम यहाँ आओ तो दौड़े दौड़े आ गए दोनों पेटू कहीं के। अच्छा प्रिया, एक बात बताओ, फरहाद के अब्बा वाली बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? यार वो ऑलरेडी इतनी परेशानी चल रही थी, फिर तुम लोगों को भी मेरी वजह से झूठ बोलने पड़ते हैं घर पर, तो नहीं बताया। अरे मैं तो एक्सपर्ट हूँ ना इस चीज़ में, आपको तो पता है। और हाँ, इनको भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, टाइम लगेगा लेकिन आ जाएंगे हमारे लेवल तक। बेशर्म, क्या बकवास कर रहे हैं तुमने। अच्छा बैठो जल्दी जल्दी, खाना गर्म है, मैं हामिद को बुलाती। चलो 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 बैठो। कहाँ हो? मैं घर आया हूँ। फरहाद, मैं घर पर अकेली थी तो मैं शगु पोपो के घर आ गई थी। प्रिया, मैं 10,000 काम छोड़ के यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, इस टेंशन में कि तुम यहाँ अकेली हो और तुम अपनी, यार कम से कम मुझे जाने से पहले बता तो सकती थी ना। फरहाद, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, मुझे लगा कि तुम आने से पहले मुझे एक दफा फोन करोगे। मैं अभी आ जाती हूँ, मैं फौरन आ रही हूँ। यार डिस्टर्ब करने की बात नहीं है, एक टेक्स्ट तो कर सकती थी ना। मैंने भी अस्पताल जाना है डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए, अब्बा की कब्र पे जाना था कुतबा बनवाने के लिए, 10,000 और काम थे और मैं तुम्हारे लिए आके बैठा हुआ हूँ। फरहाद, मैं अभी आ जाती हूँ, मैं पहुंच जाऊंगी, जल्दी आ जाती हूँ। छोके यार फिया, सॉरी यार तुम्हें ऐसे वक्त में तंग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टेंशन हो गई है। क्या हो गया? सब खैरियत? बॉस दब गए तुझसे। क्यों? तूने बताया नहीं मेरे फादर की डेथ हो गई है? बताया था यार, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरहाद ने लीव अप्लाई किए बगैर कैसे छुट्टी करनी। यार तो भाई मैं अभी डालता हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालता हूँ। ऐसी गलती मत करना, बॉस और तब जाएंगे। तो एक काम कर, ऑफिस आकर बॉस से बात कर ले और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके चला जा। अरे थैंक यू मिस्टर फरहाद, ऑफिस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। लीव अप्लाई कर तो आपने हमारी कंपनी पर एहसान कर दिया। सो नेचुरली मेरे फादर की डेथ हुई थी, इसलिए मैं लीव अप्लाई नहीं कर सका। मैं अभी करता हूँ सर। खुद को समझते क्या हो तुम? फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाए तो लीव सबमिट करवा कर छुट्टी लेनी होती है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। और आर यू अबव द रूल्स? या तुम्हारा बाप कोई अनोखी चीज था? घूर क्या रहे हो? मालिक हो मैं इस कंपनी का, और तू कौन है? तो तकेगी नहीं है तेरी हैसियत, कात क्या है तेरी? ये आवाज़ है मेरी।